व्हाट्सअप गाइस, मैं माही गर्ल ऑन फायर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सब कैसे हैं मुझे बताना ज़रूर। तो चलो, पता है आप लोगों को मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आज, क्योंकि मेरा 25 सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने पूरा कर दिया है और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही थैंक यू। तो चलो, बातें तो हुई बहुत और होते रहेंगी, तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोग जो है ना, हमारा जो सेटिंग होता है कस्टम HUD, उसको ना परमानेंटली सेव कैसे कर सकते हैं और कभी डिलीट हो जाए तो उसे हम लोग वापस कैसे ला सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे और स्क्रोल्स पे जाएंगे, कस्टम HUD टच करेंगे और ये देखो, ये हम लोग का सेटिंग है, ठीक है। ये हम लोग का अभी अच्छा वाला सेटिंग है, जो हम लोग का बिगड़ा नहीं है, ठीक। इसको पहले सेव यहाँ पर किया, पहले अदर्स पर जाएंगे और अब इसे करेंगे हम लोग अपलोड। ये अपलोड किया, अपलोड सक्सेसफुल यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग कंट्रोल्स पे जाके, जैसे कि हम लोग का ये, अब हम लोग सोचते हैं कि ये डिलीट हो गया, तो हम लोग सबसे पहले रीसेट मार देते हैं। देखो, ये मैंने रीसेट मारा और ये न्यू वाला आ गया, है ना, क्लासिक है। देखो, ये क्लासिक वाला आ गया। अब इसको हम लोग फिर से, हम लोग का सेटिंग चेंज हो गया मतलब, तो अब हम लोग को वापस चाहिए हमारी जो पुरानी सेटिंग थी वो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड, अब ये करेंगे, यू आर अबाउट टू ओवर राइट लोकल सेटिंग्स ऑन दिस डिवाइस, कन्फर्म डाउनलोड। अब हम लोग क्या करेंगे, ओके। तो अब उसके बाद हम लोग का जो डाउनलोड है वो हो गया, जो हम लोग अपलोड किए थे हमारी जो सेटिंग को, वो हम लोग उसको डाउनलोड कर लिए। अब देखना, हमारा जो सेटिंग है वापस आ चुका है, ये देखो। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं हमारी सेटिंग्स को सेव। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।